जी नमस्कार, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। क्या हालचाल मेरे प्यारे बच्चों। आज कई दिनों के बाद YouTube पर आने का मौका मिला, लेकिन निश्चित तौर पर अपन अब लगातार YouTube पर आएंगे। तो मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं इस देश के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जिसे हम बोलते हैं Unacademy। मैं जल्दी से उन बच्चों का नाम लेना चाहता हूं जो मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे क्लास में। बहुत सारे बच्चे आज नहीं आ पाएंगे क्योंकि एक दो दिन लगता है कंटिन्यूटी आने में, लेकिन मेरे पास एक बढ़िया संकल्प है यूपीएससी के लिए। मुझसे Unacademy ने भी कहा और मुझसे मेरी सुपर 60 की टीम ने भी कहा। जतिन योगता, सोनी जडेजा, जडेजा आया है भाई, वाह भाई जडेजा, बहुत अच्छे। और बच्चों के नाम मुझे नहीं दिखना है, फिर मुझसे कोई नहीं शिकायत करेगा सर आप मेरा नाम नहीं लेते हैं क्यों। तो चलिए भाई चलते हैं, बड़ी महत्वपूर्ण कहानी आपको पढ़ाने वाला हूं, आपका बढ़िया रिविजन भी होगा इतिहास को लेकर। और जो संकल्प हम लोगों ने लिया था, जो मेजर वॉर्स हैं भारत की, उन कहानियों को लेकर, उन युद्धों को लेकर। तो चलिए आप सभी लिखने को तैयार रहिएगा। वैसे हम लोग स्पेशल पर तो मिल ही रहे थे, डेली 2 घंटे मिल रहे थे, यूट्यूब पे नहीं आ पा रहा था। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं Unacademy से जुड़ने के लिए, मैं हमेशा आपको बताता हूं। लेकिन आज की कहानी थोड़ी लंबी हो सकती है, इसलिए बिना समय गवाए मैं अपनी कहानी में चलता हूं, इतिहास की वो कहानी। यदि ये कहानी नहीं हुई होती तो अंग्रेज बेटा इस देश में अपने पैरों को नहीं जमा पाते। लंबा चौड़ा 200-250 सालों का जो गुलामी का इतिहास है हमारा अंग्रेजों के साथ, शायद वो ना होता। लेकिन क्या कहा जा सकता है, इतिहास को कुछ और मंजूर था। देखो बहुत सारी चीजें लिख के लाए हैं, कुछ चीजें तुम लोग को बताना चाहते हैं। इस कहानी के 3-4 पात्र हैं। 3-4 पात्र में एक तो है अंग्रेज हमारे, एक है सिराजुद्दौला, और तीसरा है वो गद्दार जिसे इतिहास ने कभी क्षमा नहीं किया, जिसका नाम है मीर जाफर। दो ही गद्दार हुए, जैसे हम लोग कहते हैं ना 3 लोग ग्रेट हुए, अलेक्जेंडर वगैरह शो, दो ही गद्दार हुए भारत के इतिहास में। हम लोग विभीषण को नहीं गिनते हैं क्योंकि बहुत पुरानी बात है। एक गद्दार का नाम है मीर जाफर, दूसरे गद्दार का नाम है जयचंद, और दोनों को कभी इतिहास ने क्षमा नहीं किया। दोनों ने गद्दारी की कि गद्दारी करने के बाद बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन चूंकि गद्दार थे इसलिए गद्दारी वाली सजा ही मिली। वही मीर जाफर के साथ हुआ, वही जयचंद के साथ हुआ। तो इस कहानी का बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है मीर जाफर, क्योंकि यदि मीर जाफर की गद्दारी नहीं होती तो फिर बेटा सिराजुद्दौला और वो जो दुनिया भर की कहानी हम लोग जानते हैं, नहीं भी जानते हो तो मैं तुम लोगों को आज बता दूंगा, फिर वो कहानी नहीं होती। देखिए औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 यदि मैं सही हूं तो। औरंगजेब की मृत्यु के बाद कहा जाता है मुगल एम्पायर का डाउनफॉल शुरू हो गया। मुगल एम्परर था एक फारूक सियार, आप सभी को पता होगा जब ये सारी कहानी वगैरह चल रही थी बंगाल उड़ीसा वगैरह बिहार में, सिराजुद्दीन वगैरह खान को लेकर, अंग्रेजों को लेकर। तो फारूक सियार जो है वो मुगल एम्परर था, लेकिन फारूक सियार बड़ा कमजोर था, आप सभी को पता है, एक तरीके से वो नाम का था। फारूक सियार का दौर था, फारूक सियार 1717 में बेटा मुर्शीद कुली खान को बंगाल का सूबेदार बनाता है। ध्यान से समझिएगा, फारूक सियार ने 1717 में मुर्शीद कुली खान को बंगाल का सूबेदार बनाया। बंगाल के सूबेदार बनाने के साथ ही उसने उड़ीसा के जो दीवानी राइट्स हैं वो भी दे दिया कि भैया मुर्शीद कुली खान, मेरा प्यारा खान, तुम इसे संभाल लो, हम बड़े कमजोर हैं, हम नहीं देख सकते, व्हाटसोएवर जो भी कारण रहे हो। लेकिन इतिहासकार कहते हैं मुर्शीद कुली खान, जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, जिससे इस कहानी की शुरुआत होती है, उसे बिल्कुल फ्री हैंड दे दिया था, चाहे बंगाल हो चाहे उड़ीसा हो, मतलब मुगल एम्पायर से कोई मतलब नहीं था। मुर्शीद कुली खान जिस तरीके से चाह रहा था उस तरीके से अपने एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर को रन कर रहा था, एंड नो वन वॉज देयर टू क्वेश्चन हिम। कोई मुर्शीद कुली खान को बेटा क्वेश्चन करने वाला नहीं था अपने हिसाब से। हाँ, फारूक सियार ने एक अच्छा काम क्या किया कि इन्होंने अंग्रेजों को जो सीमा शुल्क होता है व्यापार वगैरह को लेकर, तो सीमा शुल्क में इतिहासकार कहते हैं कि फारूक सियार ने अंग्रेजों को छूट दे दी कि चलिए भैया आपसे हम सीमा शुल्क वगैरह नहीं लेंगे। अब इस ये जो कहानी है नवाब सिराजुद्दौला से, उनके ही सेनापति ने गद्दारी की, मैं इस कहानी से केवल आपको जोड़ना चाह रहा हूं, मुर्शीद कुली खान के बगैर बेटा ये कहानी अधूरी है, ठीक है। और उस कहानी के बारे में मुझे थोड़ा बहुत पता है, इतिहासकारों के बीच उठता बैठता रहता हूं, आप सभी को पता है इतिहास से ऑनर्स है मेरा। तो इतिहासकार कहते हैं कि मुर्शीद कुली खान
के पास एक विषय यह था कि चलो अंग्रेज भी आ गए, अंग्रेजों के पास जो सीमा शुल्क था उससे उनको आजादी मिल गई थी। ये फारूक सियार ने एक सब्जेक्ट टू क्लॉज मुर्शिद कुली खान के लिए क्रिएट कर दिया था। वैसे तो बंगाल उड़ीसा में उसके पास अपना सब कुछ था, ठीक है। 1726-27 मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, आप एक बार रेफरेंस देख सकते हैं। 1726 या 27 में मुर्शिद कुली खान की मौत हो जाती है। वही मुर्शिद कुली खान जिसे फ्री हैंड दिया गया था किसके द्वारा? फारूक सियार के द्वारा। फारूक सियार अभी हैं, मुगल एम्पायर अभी चल रहा है दिल्ली में। 1726-27 जो भी ईयर होगा, मुर्शिद कुली खान की मृत्यु के बाद बेटा जो व्यक्ति मुर्शिद कुली खान को रिप्लेस करता है उस व्यक्ति का नाम है सुजाउद्दीन। बड़ा की प्लेयर सुजाउद्दीन। इसके पहले सुजाउद्दीन कौन था बेटा? सुजाउद्दीन इसके पहले बेटा उड़ीसा का उप सूबेदार था, सूबेदार नहीं था, उप सूबेदार था। मैं नाम लिख देना चाहता हूं सुजाउद्दीन। ध्यान से इस कहानी को पढ़िएगा, पहले ऐसे लिख देता हूं, मुर्शिद कुली खान इसकी मृत्यु के पश्चात जो 1726-27 में हुई, सुजाउद्दीन उस समय तक उड़ीसा का उप सूबेदार था, डेप्यूटी सूबेदार था, ठीक है। आप लोग ये कहानी लिखते रहिएगा, बड़ा आनंद आएगा आपको इस विषय में पढ़ने में। बच्चे बहुत कम हैं, बच्चे इस वजह से भी बहुत कम हो सकते हैं क्योंकि मैं कई दिनों के बाद आया हूं, वो आ जाएंगे, सबको पता चल जाएगा कि सर वापस आ गए हैं। ये जो सुजाउद्दीन व्यक्ति था बेटा, ये मुर्शिद कुली खान का दामाद था। सुजाउद्दीन मुर्शिद कुली खान को रिप्लेस करता है, उसकी सारी ताकत सुजाउद्दीन को मिल जाती है। 1732 में बिहार को भी बंगाल में मिला लेता है, बंगाल उड़ीसा वगैरह तो एक था लेकिन बंगाल में बिहार को भी मिला लेता है। और अली वर्दी खान ध्यान से समझिएगा, अली वर्दी खान को लाने का जो श्रेय है बेटा वो सुजाउद्दीन को जाता है। अली वर्दी खान भी पिक्चर में आते हैं सुजाउद्दीन के आने के बाद, और अली वर्दी खान को बिहार का सूबेदार बना दिया जाता है। लेकिन अली वर्दी खान को सूबेदार किसने बनाया? सुजाउद्दीन ने। लेकिन अली वर्दी खान ने ही गद्दारी की सुजाउद्दीन के बेटे से, क्योंकि सुजाउद्दीन के भी मृत्यु हो जाती है 1739 में। सुजाउद्दीन की मृत्यु के बाद बेटा इनके वारिस के रूप में, लीगल हेयर रिप्रेजेंटेटिव के रूप में सुजाउद्दीन का बेटा बैठता है गद्दी पे, सरफराज। लेकिन ये जो व्यक्ति है अली वर्दी खान जिसे सुजाउद्दीन लेकर आया था, अली वर्दी खान जो सुजाउद्दीन का बेटा है सरफराज, उसके साथ गद्दारी करता है। दोनों के बीच बेटा युद्ध होता है और उस युद्ध का परिणाम आप लोगों को पता है, उस युद्ध का परिणाम यह निकलता है, उस युद्ध को बेटा कहा जाता है मनिहारी का युद्ध, है ना? वेरी गुड, शाबाश, ठीक है ना। इन दोनों के बीच बेटा युद्ध होता है, भयंकर युद्ध होता है। युद्धों के संकल्प और कहानी को लेकर अपन चल रहे हैं। अली वर्दी खान और सरफराज मारा जाता है। अब बंगाल की गद्दी सरफराज के मारे जाने के बाद अली वर्दी खान की हो जाती है, सोचिएगा, ठीक है। बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, भोली प्रगति सुजाता, ठीक है। अली वर्दी खान जैसे ही गद्दी पे बैठता है मुगल बादशाह को बेटा ये भारी भरकम नजराना भेजता है। मुगल बादशाह वैसे भी कमजोर हैं, उनके पास कुछ करने को नहीं है, ताकत नहीं है, कोई उनकी सुनता नहीं है। उस बंगाल से उनको नजराना मिलता है जहां कभी उन्हें तवज्जो नहीं मिली इसके पहले। अली वर्दी खान को बेटा वो बंगाल का नवाब घोषित कर देते हैं पहला, सोचिएगा। बादशाह के पास कुछ है नहीं, उनको घोषणा ही करनी है, तो कहते हैं जाओ भैया अली वर्दी खान, आपको क्या है, आपको हम बंगाल का नवाब घोषित करते हैं। लेकिन अली वर्दी खान को सबसे बड़ी चुनौती दी शिवाजी के मराठों ने। इतिहासकार कहते हैं अली वर्दी खान बंगाल का नवाब तो घोषित हो गया, पहला नवाब घोषित हो गया। मैं लिख देता हूं यहां पे, अली वर्दी खान पहला नवाब घोषित हो गया, कहां का? बंगाल का। लेकिन 1740 से 1751 का जो पीरियड है, इतिहासकार कहते हैं इन्हें सबसे बड़ी चुनौती दी मराठों ने, और मराठों ने इनके दांत ऐसे खट्टे किए अली वर्दी खान के, गद्दार अली वर्दी खान के, कि अली वर्दी खान को मराठों से ट्रीटी करनी पड़ी, यदि मेरी जानकारी चुस्त और दुरुस्त है, 12 लाख रुपए का टैक्स, हर साल 12 लाख रुपए का टैक्स मराठों को देना था अली वर्दी खान को, और उड़ीसा को भी सौंपना था किसे? मराठों को। यह संधि होती है बेटा।
लेकिन अली वर्दी खान के सामने केवल मराठा चुनौती में नहीं थे, उनके सामने उभरती हुई ताकत के रूप में, यूरोपियन पावर के रूप में, अंग्रेज भी बहुत बड़ी चुनौती प्रस्तुत कर रहे थे। ये अली वर्दी खान बाय द टाइमिंग धीरे धीरे बूढ़े भी हो रहे थे, इतिहासकार कहते हैं बीमार भी हो रहे थे, इन्हीं का लाडला नाती था जिसकी कहानी हम लोग जून में जुलाई में पढ़ते हैं, क्योंकि जून और जुलाई का ही समय था 1757 का, जब बेटा बहुत बड़ा बदलाव इस देश में। अली वर्दी खान का लाडला नाती था जिसे आप कहते हैं सिराजुद्दौला, उसका आधिकारिक नेम पूरा नाम था मिर्जा मोहम्मद सिराजुद्दौला। अली वर्दी खान के लिए इतिहासकार कहते हैं इनको कोई लड़का नहीं था, वो जमाना ऐसा था कि लड़के को उत्तराधिकारी बनाया जाता था। अली वर्दी खान के लिए इतिहासकार कहते हैं इनकी तीन बेटियां थी, एक बेटी जो थी वो ढाका के नवाब से ब्याही थी और दो और थी, मुझे रेफरेंस नहीं पता, लेकिन अली वर्दी खान ने अपने दो नातियों को तैयार किया। ये कहानी जो शुरू हुई मुर्शीद कुली खान सुजाउद्दीन अली वर्दी खान और सरफराज के बीच युद्ध होने के बाद, वो कहानी बेटा दो नातियों के बीच पहुंचती है। उन दोनों नातियों का नाम मैं लिखना चाहता हूं, आपको याद होना चाहिए। अली वर्दी खान का एक नाती सिराजुद्दौला, जिसकी कहानी मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं। दूसरे नाती का नाम आपको पता है, इतिहास में उसको बहुत जगह नहीं मिली, उस नाती का नाम है शौकत, सिराज वर्सेस शौकत। इतिहासकार कहते हैं दोनों नाना के प्रेमी थे, दोनों से नाना बहुत प्रेम करते थे और दोनों का बचपन जो है सिराज और शौकत का एक साथ बीता। सोचिएगा, दोनों भाई थे, भाई दोनों ननिहाल में पले बड़े, नाना के साथ पले बड़े, नाना के साथ युद्ध के गुण सीखे, नाना दोनों को प्यार करते थे, लेकिन वो दौर ही था गद्दारी का, वो दौर ही था अपनों को मारने का। अब इतिहासकार कहते हैं सिराजुद्दौला शौकत से थोड़ा अच्छे थे, बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे, वॉरफेयर स्किल वगैरह में, सोचने में, निर्णय लेने की क्षमता में, नाना की नजरों में सिराज शौकत से थोड़े अच्छे थे। तो नाना ने अपने एम्पायर के हित के लिए सिराज को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इससे शौकत और शौकत की जो मां थी अली वर्दी खान की जो पुत्री थी, मतलब जिसे कहते हैं बड़े हॉट इन द सेंस, क्या रे बताइए, शौकत को बना देते, शौकत बन जाता नवा वगैरह। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिराजुद्दौला को नाना आगे लेकर बढ़ते हैं। शौकत के पास भी ताकत रहती है, लेकिन जो मुगल एम्पायर में हम लोगों ने देखा या दुनिया भर का दिल्ली सल्तनत वगैरह, खिलजी लोधी, हमारे पास दुनिया भर के उदाहरण है। शौकत और सिराज 10 अप्रैल 1756 को, बेटा इतिहासकार कहते हैं 10 अप्रैल 1756 क्या मेरी आवाज? चलिए मैं अपनी कहानी को आगे बढ़ाता हूं। कहानी से अगर इतिहास पढ़ो तो वो इतिहास याद हो जाता है। सिराज और शौकत, इतिहासकार कहते हैं 10 अप्रैल 1756 को अली वर्दी खान की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद बेटा सिराज गद्दी पर बैठते हैं, सिराजुद्दौला, लेकिन अंग्रेज सिराजुद्दौला को बिल्कुल तवज्जो नहीं देते हैं। सिराजु का जो मतलब ईगो है, अहम है, उसे हमेशा चोट पहुंचाते हैं, इतिहासकार कहते हैं। सिराजुद्दौला इतिहास में लिखा है, किताबों में लिखा है, सिराजुद्दौला जब गद्दी पर बैठते हैं तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे नजराने आते हैं, बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े वकील, जो बाहर की ताकतें हैं, फ्रेंच वगैरह, मतलब सारे उस समय थे, वो सभी नजराने भेजते हैं, अंग्रेज नजराना नहीं भेजते हैं। सिराजुद्दौला कहता है ये क्या बात है भाई, ये तो हमारे सम्मान में कमी है। और इतिहासकार कहते हैं ऐसा कोई मौका नहीं था जब अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को बेइज्जत न किया। शुरुआती दौर में अंग्रेजों की एक कोठी थी कासिम बाजार में, बड़ी महत्वपूर्ण कोठी थी, मतलब महत्वपूर्ण कोठी, वहां सारे बड़े निर्णय होते थे और बड़े पैसे से बनाई गई थी और मतलब एक सम्मान का प्रतीक। कहा जाता है सिराजुद्दौला और उसके किसी विश्वास पात्र को कासिम बाजार के अंग्रेजों की कोठी में जाने की भी परमिशन नहीं थी। सिराजुद्दौला के शुरुआती दौर की मैं बात बता रहा हूं, जब वो गद्दी पर बैठता है, आखिर उसने क्यों अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, और एक बार तो उसने अंग्रेजों को जो पटका कि उसके बारे में इतिहासकार खूब लिखते हैं। अब आप समझिएगा 1756 में जो लड़ाई होती है, मतलब शौकत और सिराजुद्दौला के बीच,
इतिहासकार का एक बड़ा फैक्शन है, वो ये कहता है कि शौकत के पीछे ताकत के रूप में ब्रिटिशर्स थे। वो हमेशा से सिराजुद्दौला को कमजोर करना चाहते थे, गद्दी पर कब्जा जमाना चाहते थे। उन्होंने शौकत को तैयार किया, शौकत की मां को तैयार किया और कहा, अरे लड़ो यार तुम सिराजुद्दौला से, हम तुम्हारे साथ हैं। ये जो युद्ध हुआ बेटा, ये युद्ध 1756 में बतलाया जाता है। हालांकि सिराजुद्दौला शुरू से वॉरफेयर स्किल में बड़े अच्छे थे, इन्होंने बेटा शौकत को ना केवल मात दी बल्कि 1756 वाले युद्ध में शौकत की मृत्यु भी हो गई। अंग्रेजों को लग गया कि भाई सामना किसी अच्छे वॉरियर से है, लड़ाके से, इतने आसानी से सिराजुद्दौला के ऊपर हम मतलब कब्जा नहीं कर सकते, उसे ओवर पावर नहीं कर सकते हैं। शौकत और शौकत की मां तो निकल गए। मुर्शिद कुली खान के मरने के बाद दोनों नातियों में युद्ध होता है और बेटा शौकत की हार हो जाती है। लेकिन अंग्रेज बहुत चालाक थे, ये जल्दी हार नहीं मानते थे। इतिहासकारों ने कहा कि इस लड़ाई के बाद, इस हार के बाद, एक तरह से अंग्रेजों की भी हार थी, अंग्रेजों ने किलेबंदी शुरू की, छोटे छोटे किलों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के जो विश्वास पात्र लोग थे उनको अपनी ओर मिलाने का काम शुरू कर दिया। तो पहले आइडेंटिफाई किया, अच्छा ये बड़ा विश्वास पात्र है, ये बड़ा विश्वास पात्र है, ठीक है इसको पैसा दो, रुपया दो, जागीर दो, किला दो, व्हाट सो एवर, बाय हुक और बाय क्रूक इन्हें अपने पास शामिल कर लो। मतलब सिराजुद्दौला के साथ बने रहें लेकिन ये काम हमारा करें। सिराजुद्दौला के लिए बड़ा बढ़िया रिफरेंस है इतिहासकारों का। वो कहते हैं कि सिराजुद्दौला अपने नाना के साथ अंतिम समय में थे, नाना अंतिम सांसें ले रहे थे, बड़े बीमार थे। उन्होंने कहा सिराजुद्दौला को, देखो बेटा अगर मेरी उम्र होती, खुदा मुझे उम्र देते, तो निश्चित तौर पर इन यूरोपियन ताकत को मैं हरा के तुम्हें अपना साम्राज्य देके जाता, अपना अंपायर देके जाता। लेकिन मैं तो जा रहा हूं, मेरे पास खुदा ने बहुत ज्यादा समय नहीं छोड़ा है, लेकिन मैं तुम्हें यह कहना चाहता हूं कि कभी भी यूरोपियन पर भरोसा मत करना, कभी भी इन्हें किलेबंदी की आजादी, किलेबंदी की आजादी मत देना, कभी भी ये मत कहना कि तुम अपनी सेना को यहां आकर इस्टेब्लिश कर लो, कभी भी इन्हें यह मत कहना कि हम तुम्हें सीमा शुल्क से पूरी आजादी दे देते हैं। मतलब एक तरीके से नाना ने अपने नाती को वर्ड ऑफ कॉशन के रूप में कहा कि अंग्रेजों से सावधान रहना। ये आधिकारिक उल्लेख है, आपको मिल जाएगा इतिहास की किताबें अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो। तो सिराजुद्दौला के मन में शुरू से, शुरुआती दौर से जैसे वो गद्दी पर बैठा, अंग्रेजों को लेकर वो प्रेजुडियस था और सही भी था, ऐसा पूर्वाग्रह मैं मानता हूं, सही भी था इनके जैसे गद्दारों से। अब शुरुआती दौर में मैंने आपको बताया कि फारूक सियार ने अंग्रेजों को सीमा शुल्क में छूट दे दिया था। अब अंग्रेज क्या करते थे मेरे प्यारे बच्चों, कि जो सीमा शुल्क इनको आजादी मिली थी, अंग्रेज उसे बेच देते थे दूसरे व्यापारियों को, और दूसरे व्यापारियों को बेचकर पैसा कमाते थे। मतलब जो अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच युद्ध हुआ, कुछ तो मतलब कारण रहे होंगे। सबसे बड़ा कारण ये था कि सिराजुद्दौला का जो एम्पायर था उसे नुकसान हो रहा था, क्योंकि सीमा शुल्क को लेकर अंग्रेज बेईमानी कर रहे थे। सिराजुद्दौला के लिए इतिहासकार कहते हैं उसने कड़ा फैसला किया। सिराजुद्दौला ने क्या किया, सिराजुद्दौला ने सीमा शुल्क सभी के लिए खोल दिया। क्या तुम तो बेच ही रहे हो, इससे अच्छा हम सारे व्यापारियों के लिए खोल देते। जैसे ही सारे व्यापारियों के लिए सीमा शुल्क खोला गया, बहुत सारे व्यापारी आ गए और कहा जाता है अंग्रेजों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। होता है ना कि ट्रिगर कर दिया, कंट्रीब्यूटरी कॉज एक हो गया कि चलो भैया ये हो गया, अब लड़ाई होकर रहेगी। फिर सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों से कहा कि एक काम करो, तुम और फ्रेंच दोनों सारे किले खाली करो, बंद करो एक किले बंदी, जितने किले वगैरह तुम लोगों ने एक्वायर किया खाली करो उसे। फ्रेंच तो मान गए, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, बिल्कुल शुरू में हाथ खड़े कर दिए। अंग्रेजों ने हाथ खड़े नहीं किए, अंग्रेजों ने कहा किले तो हम नहीं छोड़ेंगे। सिराज का एक बड़ा, सिराजुद्दौला का इतिहासकार कहते हैं बड़ा एक विश्वास पात्र पदाधिकारी था, उनका दीवान था, उसका नाम था, हिंदू था, राजा राजवल्लभ। अंग्रेजों ने बड़ी चतुरता से, बड़ी चालाकी से राजा राजवल्लभ को अपनी टीम में शामिल कर लिया। सिराजुद्दौला को यह बात पता चल गई, सिराज ने अपनी सेना बुलाई और जिस कासिम किले में, जिस कासिम बाजार में अंग्रेजों का गढ़ माना जाता था, सिराज ने एक बड़ी कार्रवाई की, पूरे बाजार को, कासिम बाजार को घेर लिया और अंग्रेजों का कहा नीचे उतरो, तुम लोग को बहुत पीटेंगे। इतिहासकार कहते हैं ना केवल कासिम बाजार पर कब्जा किया गया, लेकिन जो किला मैंने अभी आपको कहा अंग्रेजों के सम्मान का प्रतीक था, कासिम बाजार का किला, पृथ्वीराज मंडल वहां जाता रहता है बिरयानी एंजॉय करने,
उस किले को भी सिराजुद्दौला ने अपने कब्जे में लेकर अंग्रेजों को मैसेज दिया कि हमें हल्के में लैटर मत लेना, मेरा नाम सिराजुद्दौला है। आप समझिए, इतिहासकार कहते हैं कि वहां बहुत सारे अंग्रेज अधिकारी भी थे, उनको भी पकड़ लिया गया चल जेल में। सिराजुद्दौला यही नहीं रुका, 16 या 17 जून की वो ऐतिहासिक तारीख बताई जाती है, कुछ इतिहासकार 17 कहते हैं, ज्यादातर 16 कहते हैं, 16 ही मान के चलो, 16 जून की ऐतिहासिक तारीख थी। सिराजुद्दौला बेटा कहा जाता है अपने 30,000 सिपाहियों को लेकर, मैं आगे भी इसका रेफरेंस आपको बताऊंगा, 20,000 घुड़सवारों को लेकर, 400 हाथियों को लेकर फोर्ट विलियम्स पर धावा बोल देता है। फोर्ट विलियम्स अंग्रेजों का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र, सबसे बड़ा सैनिक केंद्र, और आगे चल के बेटा आप सभी को पता होना चाहिए वो एक ब्लैक होल ट्रेजेडी जुड़ी है फोर्ट विलियम्स वाली। कुछ अंग्रेजी इतिहासकार बड़े सच्चालाक हैं, ये सब कहते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी जैसा कोई घटना हुई नहीं, लेकिन सिराजुद्दौला ने एक छोटी सी कोठरी में 142 या 143 अंग्रेजों को ठूंस ठूंस के भर दिया, ऐसा ठूंस ठूंस के भरा कि केवल 23 जिंदा निकले, बाकी सब मर गए। खैर अंग्रेजी इतिहासकार इस बात को नहीं मानते। इस पूरी कहानी को अपन समझेंगे, मैं अपनी स्लाइड में चलता हूं, बहुत कुछ लिख कर भी लाया हूं, इसीलिए मैंने कहा यदि इतिहास को कहानी के नजरिए से पढ़ोगे तो तुम्हारा इंटरेस्ट भी बना रहेगा, ऐसा भी नहीं लगेगा कि कोई बहुत भारी भरकम पढ़ाई कर रहे हो, और एक महत्वपूर्ण टॉपिक बेटा मॉडर्न इंडिया का तुम्हारा तैयार हो जाएगा। तो चलिए मैं आप सभी को लेकर चलता हूं, बताने को तो बहुत कुछ है, फिर करेंगे क्या उस स्लाइड्स का जो लिख कर लाए हैं तुम्हारे लिए, ठीक है। मैं फोर्ट विलियम्स पे आ गया, चलिए। तो प्लासी की लड़ाई आप सभी को पता है, बैटल ऑफ प्लासी, अगर बैटल ऑफ प्लासी नहीं होती तो अंग्रेज नहीं होते, अंग्रेजों की मक्कारी गद्दारी, मैंने कहा जयचंद का आपसे नाम लिया नहीं, मीर जाफर का आपसे नाम लिया, और एक उनका और मतलब रिप्रेजेंटेटिव था मानिक चंद, मानिक का मैं अभी नाम लूंगा आप लोगों से। मैंने आपके लिए लिखा कि 2 जुलाई 1757 प्लासी की लड़ाई में हार के बाद बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला एक धोखे के चलते मारे, जिसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में एक छत्र राज नहीं हो गया, हो गया मतलब। अभी तक मैंने 4-5 लड़ाइयां तुम लोगों से शेयर की, यार कहीं ना कहीं तो धोखा मिला ही नहीं, इब्राहिम को धोखा मिला, पृथ्वीराज चौहान को धोखा मिला, सबको धोखा मिला। तो ये जो धोखा है, अगर ये धोखा भारत में नहीं होता तो कभी भी विदेशी शक्तियां बेटा भारत में अपने पैर को नहीं जमा पाती, भाई पृथ्वीराज चौहान ही नहीं हारता तो बात ही खत्म हो जाती। चलिए आगे बढ़ते, करीब 50,000 सैनिक, मुझे 30,000 पता है, 50,000 सैनिक, 500 हाथी, 50 तोपों से लैस सिराजुद्दौला की सेना ने ईस्ट इंडिया कंपनी के करीब 3,000 सैनिकों से हार गई थी। ओ गॉट इट, मतलब मैं सही हूं, ये बैटल ऑफ प्लासी की बात हो रही है, ठीक है ना। मैं जो आपको आंकड़े बता रहा था वो आंकड़े फोर्ट विलियम्स में जब अटैक हुआ था सिराजुद्दौला तब का है, ठीक है ना। ये बैटल ऑफ प्लासी की कहानी है कि सिराज हारा कैसे, ठीक है। सिर्फ इस एक धोखे की बदौलत, उनको यह धोखा उन्हीं के प्रधान सेनापति मीर जाफर ने दिया। मीर जाफर बहुत बदमाश, लालची, ऑनलाइन क्लास में नहीं होते तो इसकी तारीफ में और कुछ कहते। शुरू से मीर जाफर चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला, सिराजुद्दौला को हमेशा खुश रखने वाला, और हमेशा इस मौके की तलाश में रहने वाला व्यक्ति कि कैसे सिराजुद्दौला को हटाएं और गद्दी पर स्वयं को स्थापित करें। उस व्यक्ति गद्दार का नाम था मीर जाफर। बंगाल पर ईस्ट इंडिया कंपनी की नजर क्यों थी, क्यों भाई, ऐसा क्या था बंगाल में, ईस्ट इंडिया कंपनी इतने युद्ध लड़ रही थी, इतने प्रयास कर रही थी, मुर्शिद कुली खान के जमाने से सुजाउद्दीन, सरफराज वगैरह, दुनिया भर की चीजें, शौकत। मुगल कालीन बंगाल सूबे में आधुनिक पश्चिम बंगाल जिसे आप कहते हैं, बांग्लादेश जिसे हम कहते हैं, बिहार और उड़ीसा, ये सभी शामिल थे। आप समझ सकते हैं, बांग्लादेश पूरे यूरोप को कॉटन वगैरह भेज रहा है, दुनिया भर की फैब्रिक भेज रहा है, नहीं तो बंगाल, बांग्लादेश, बिहार, उड़ीसा, ये सब कुछ उस समय के बंगाल में शामिल थे। इस सूबे की जो राजधानी थी उसे हम मुर्शिदाबाद कहते थे। तब मुर्शिदाबाद की चकाचौंध तत्कालीन लंदन शहर से भी ज्यादा थी। अब आप समझ लीजिए, आज अब जाएंगे तो आपको केवल इस इलाके में मछली मिलेगी, बदबू मिलेगी, गंदगी मिलेगी, गरीबी मिलेगी, लेकिन किसी जमाने में मुर्शिदाबाद की जो तुलना है
वो लंदन से की जाती थी। हम लोग को पहले पता होता हम लोग यहाँ जमीनें खरीद सकते थे मुर्शिदाबाद में। नहीं चल मजाक का विषय है, कुछ बच्चे सीरियस ले लेंगे। आज हम अपने ग्रुप में पूछे क्लास है क्वेश्चन मार्क, मुझे कोई एक बच्चा बोला क्लास है सर। मैंने सोचा भाई मैंने सवाल पूछा, ऐसा जवाब मत दिया करो टीचर खुद कंफ्यूज हो जाए। चलो मुर्शिदाबाद लेके चलते। इस शहर के बारे में ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव ने लिखा था, मुर्शिदाबाद लंदन जितना बड़ा है, आबाद है और समृद्ध शहर है। वही रॉबर्ट क्लाइव जो सराजुद्दौला के लिए कहा जाता है हाथ पैर जोड़ के खड़ा था, प्रभु मालिक गलती हो गई, फोर्ट विलियम्स पर जब कब्जा हो गया था, इतिहासकार कहते हैं रॉबर्ट क्लाइव ऐसे हाथ जोड़ के एक व्यापार की थोड़ी सी अनुमति दे दीजिए जो पहले मिल रही थी, कसम बता रहे हैं अब कोई गलती नहीं करेंगे। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव का इतिहास सभी को पता है। अंतर सिर्फ इतना है कि लंदन में जितनी दौलत एक अमीर आदमी के पास है उससे कहीं ज्यादा दौलत यहाँ अनेकों लोगों के पास है। ये ऐतिहासिक रेफरेंस है मुर्शिदाबाद का, वो मुर्शिदाबाद जिसके लिए अंग्रेज पागल थे, वो मुर्शिदाबाद जिसकी कहानी में मुर्शिद कुली खान से अब शुरू किया, तभी तो मुर्शिदाबाद नाम पड़ा। दिल्ली में बैठे मुगल बादशाह फारूक सिहार से शाही फरमान मिलने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता के फोर्ट विलियम्स में अपना व्यापार शुरू किया जो मैंने आपको बताया। अब फारूक सिहार मुर्शिद कुली खान को भी फ्री हैंड दे रहे हैं, अंग्रेजों को भी फ्री हैंड दे रहे हैं। अगर मुर्शिद कुली खान से गलती नहीं होती तो मतलब कोई ना कोई तो गलती हुई होगी इतिहास में, तभी तो अंग्रेज आए। इन लोगों ने क्या किया, फारूक सिहार और इनकी टीम ने क्या किया, इन्होंने कहा कि ठीक है जाओ फोर्ट विलियम्स में अपना व्यापार शुरू करो और तुमको सीमा शुल्क में भी हम छूट दे रहे हैं। इस व्यापार के दम पर कंपनी यहां अपने कदम जमाने की कोशिश कर रही थी, इतिहासकार कहते हैं। इन्हीं सब गतिविधियों के बीच ये जो गतिविधियां थी, फारूक सिहार से मिलना, सीमा शुल्क में छूट पाना, व्यापार शुरू करना, इन्हीं सब गतिविधियों के बीच बंगाल के नवाब अली वर्दी खान का निधन हो गया। वो तब 80 साल के थे। अली वर्दी खान की मैं कहानी भी तुमको बता रहा था ना, 80 साल का व्यक्ति था लेकिन तब भी अंग्रेज उससे खौफ खाते थे। 80 साल के व्यक्ति ने बेचारे ने क्या किया, अपनी जो गाथा अपने नाती को दी। तो चलिए अब 80 साल का जो व्यक्ति है वो अपने गद्दी पर बिठा रहा है 23 साल के नाती सिराजुद्दौला को। आप अंतर देखिए, 23 साल का सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठ रहा है अपने नाना की जगह और उसके सर पर कांटों भरा ताज है। लेकिन मैं दाद देता हूं सिराजुद्दौला की कि वो फारूक सियार की तरह कमजोर नहीं साबित हुआ। फारूक सियार को तो मुगल एम्पायर मिला था, पूरा देश मिला था, क्या कर लिया फारूक सियार, सिराजुद्दौला को क्या मिला था। लेकिन सिराजुद्दौला ने अपनी कुशलता से कौशलता से निश्चित तौर पर बेटा इतिहास में अपनी एक अच्छी जगह बनाई। अली वर्दी खान ने अपने नाती सिराजुद्दौला को बंगाल के तख्त का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया 23 साल की उम्र में। सिराजुद्दौला के लिए कहा जाता है वो केवल उस समय 23 साल के थे जब उन्हें बंगाल की कमान सौंपी गई। बंगाल के इस युवा नवाब के सामने कई चुनौतियां थी, तुममें से कई बच्चों की आयु 23 साल की हो, मेरी आयु तो उससे 8-9 साल ज्यादा है, 32 साल की है। हमें अभी बंगाल का शासन दे दिया जाए तो हम कैसे चलाएंगे। सिराजुद्दौला को 23 साल की उम्र में अंग्रेजों से लड़ना था, अपने दूसरे कजन से लड़ना था, परिवार से लड़ना था, खुद को इस्टेब्लिश करना था। आप समझिए कितनी चुनौती, मराठा पहले से ही थे और फ्रेंच ताकत पहले से ही थी, 23 साल के लड़के नहीं। चलिए इसीलिए कहा जाता है आईएएस बनने की सबसे अच्छी उम्र क्या है, 22, 23, 24, 25। कह रहे ऐसे इतनी जल्दी कैसे बनेंगे। सिराजुद्दौला से खुद को कंपेयर करो, उनके रिश्तेदार और दरबारी उनसे बहुत खफा थे। मैंने आपको शौकत की कहानी पहले ही बता दी कि शौकत चाहता था, शौकत की मां चाहती थी कि मेरा बेटा गद्दी पे बैठे, लेकिन नादा ने सिराज को गद्दी पर बिठा दिया। उनकी बड़ी मौसी घसीटी बेगम उन्हें पसंद नहीं करती थी। नमो है घसीटी बेगम। घसीटी बेगम पता है कहां की थी, यही ढाका के बंगाल से इनकी शादी, नहीं हाँ सही बोल रहा हूँ, ढाका के बंगाल से। ऐसा कोई नाम कैसे लग सकता है, घसीटी बेगम लग सकता है क्या। तो घसीटी बेगम एकदम सिराजुद्दौला से हाँ खुश नहीं थी।
उनके अलावा नवाब अली वर्दी खान की दूसरी बेटी मोमिना बेगम का बेटा शौकत जंग नवाब बनने के ख्वाब देखता था, हालांकि सिराजुद्दौला अली वर्दी खान की पहली पसंद थी, मैंने आप लोगों को बताया। इसी वजह से शौकत जंग में भी उनसे नफरत करता था। और बाय द टाइमिंग बेटा क्या हुआ आप सभी को पता है, ये तस्वीर हमें मिली है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की, आधिकारिक फोटो नहीं है लेकिन आपको गूगल पर दैनिक भास्कर पर मिल जाएगी। और आभार भी देना चाहते हैं दैनिक भास्कर का, आभार भी देना चाहते हैं इंडियन एक्सप्रेस का कि उन्होंने इस महीने में इतनी बढ़िया खबर प्रकाशित की है ना हमारे बच्चों के लिए। कंपनी और नवाब के खराब रिश्तों की लिखी प्लासी की पटकथा, मतलब अब नवाब और कंपनी के रिश्ते अच्छे होते बेटा तो कभी प्लासी का युद्ध होता ही नहीं, लेकिन निश्चित तौर पर दोनों अपने कंट्रोल को बंगाल का जो एरिया था उस पर स्थापित करना चाहते। ईस्ट इंडिया कंपनी की हरकतें देखते हुए सिराजुद्दौला के नाना अली वर्दी खान ने अपने निधन से पहले उन्हें यूरोपीय व्यापारियों से सावधान रहने की सलाह दी थी, जो मैं आपको बता रहा था। और नाना बहुत दुखी थे, नाना खुदा को भी कोस रहे, खुदा ने अगर उम्र दी होती, अरे जितना उम्र देने 80 साल का थे भैया, कितना उम्र दी होती, अगर मुझे उम्र दी होती तो मैं तुम्हारे ऊपर से इस संकट के साय को हटा के जाता, ऐसा नाना अपने नातनी को कह रहा है, इतिहासकार कहते हैं। इसके चलते नवाब कंपनी की गतिविधियों पर खास ध्यान देते थे। मुगल बादशाह ने कंपनी को बंगाल में व्यापार करने के कुछ विशेष अधिकार दिए थे जिन्हें दस्तक कहा जाता था। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये पूछा भी जाता है, मैं भी अपनी रात वाली क्लास में कई बार इसे पूछ चुका हूं। दस्तक, ठीक है ना, जो परमिशन वगैरह है बेटा, स्पेशल जो प्रिविलेजेस हैं उन्हें कहते थे दस्तक। नवाब इन अधिकारों के भी खिलाफ थे, सिराजुद्दौला इन अधिकारों के खिलाफ थे, क्योंकि इनके इस्तेमाल के लिए कंपनी उनके दरबारियों को घूस देकर काम चलाया करती थी। सब बेईमान थे, शुरू से बेईमान, कोई मोरलिटी, कोई नैतिकता, कोई राइटनेस नहीं। मतलब पूरी दुनिया के इतिहास को आप पढ़ लीजिए, इनसे बेईमान कौम आपको दूसरी कोई नहीं मिलेगी। कल को कोई अंग्रेज दोस्त आपको मिले तो तुम कहना उनको, मतलब भारत आया तब मत कहना, ऐसे कह सकते हो कि तुम्हारे पूर्वज एक नंबर के बेईमान थे। कहीं हमें अच्छा रेफरेंस मिला हो, हम लोग डलहौजी की तारीफ करते, वहां बेईमान व्यक्ति था डलहौजी, कभी उसकी कहानी पढ़ाएंगे। तो नवाब सिराजुद्दौला जानते थे कि ये सब हमारे लोगों को घूस वगैरह देते हैं, अपने काम को करवाते हैं। इसके अलावा कहा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी सिराजुद्दौला से नाराज चल रहे मीर जाफर और दूसरे दरबारियों को भड़काने के लगातार प्रयास करती थी, कोई सम्मान नहीं देती थी, इनके लोगों को तोड़ने का प्रयास करती थी, तोड़ दी। अगर मीर जाफर नहीं होता, बैटल ऑफ प्लासी का जो रूल है मीर जाफर का, तो उस युद्ध का परिणाम ही दूसरा होता नहीं। लेकिन चलिए, बात यही नहीं रुकी। इतिहासकार कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब को नीचा दिखाने के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम की किलाबंदी मजबूत करने का काम शुरू कर दिया, जिससे नवाब बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा कि ये तो एक्ट ऑफ प्रोवोकेशन, मतलब आप सीमा शुल्क में दूसरे व्यापारियों को शामिल कर ले रहे हैं, आप हमारे लोगों को घूस दे रहे हैं, आप हमारे लोगों को भड़का रहे हैं, आप किलेबंदी कर रहे हैं। और फोर्ट विलियम, आपको व्यापार करने की अनुमति थी ना, आप अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहे हैं, आप लगातार किलेबंदी की कोशिश कर रहे हैं, खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी आप तैयारी कर रहे हैं कि यदि भविष्य में युद्ध होता है तो आपकी स्थिति हमसे मजबूत रहे। क्यों या अनुमति मिली थी काम धंधा करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। और एक ऐसा भी अवसर, इतिहासकार कहते हैं बाद में नवाब जब थोड़े कमजोर पड़े तो कहे यार तुम लोग यार व्यापारी हो, चिट्ठी लिखी नवाब, तुम लोग व्यापारी हो क्या लूट खसोट कर रहे हो, अरे व्यापारी हो व्यापार करो, देखो लूट खसोट मत करो, हाँ हमसे बात कर दो। तो रॉबर्ट क्लाइव को लगा, कह रहे नवाब तो बड़ा कमजोर हो गया, ये बात में प्लासी की पहले की घटना मैं आपको बता रहा हूं। अब व्यापार तो एक बहाना था, अब आप सभी को पता है, उस विषय में अपने को नहीं जाना। इसके जवाब में जो मैंने आपको बताया, नवाब ने कलकत्ता पर हमला बोल दिया। कासिम बाजार वाला विषय मैंने आपको बताया कि कासिम बाजार को पूरा नवाब की सेना ने घेर लिया, वहां के किले पर अटैक किया, फोर्ट विलियम पे अटैक किया, फोर्ट विलियम में जितने लोग थे उन सबको बंदी बना लिया। एक अवसर तो ऐसा आया, फोर्ट विलियम का जो इंचार्ज था, जो गवर्नर था, वो अपने सारे मतलब किले की महिलाओं और बच्चों को छोड़ के भाग गया।
नवाब का जब अटैक हुआ 30,000 सैनिकों के साथ, 20,000 घुड़सवारों के साथ, 400 प्रशिक्षित हाथियों के साथ, वहां का गवर्नर भाग गया, कोई लड़ा वगैरह नहीं, वीर गति को नहीं प्राप्त हुआ। सोचिए, अपनी महिलाओं को, अपने बच्चों को दुश्मन के हाथों छोड़ के भाग गया। इतने बहादुर थे अंग्रेज। नवाब की फौज, अच्छा ये वही है, नवाब की फौज ने 18x14 के छोटे तहखानों में 146 ब्रिटिश सैनिक और उनके परिवार वालों को कैद भी कर लिया था, जिसे आप पढ़ते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी। नहीं पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? हम लोगों ने बहुत बार इस पे चर्चा की है, कहीं 18x14 लिखा है, कहीं 18x12 लिखा है, मतलब एक बहुत छोटा कमरा। भाग गया ना ये सब, नवाब ने सबको पकड़ लिया, ठूस दो इन सब। नवाब को ऐसा नहीं करना था, उसमें बहुत सारे बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी। हाँ भाई, सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं? एनीवन? हाँ, ब्लैक होल ट्रेजेडी। शाबाश, चलो आगे बढ़ते हैं। एक सौ छियालीस में इतिहासकार कहते हैं केवल 23 लोग बचे थे, बाकी सब बेचारे दम घुटने की वजह से मर गए। तिरालीस लोगों की दम घटने से मौत हो गई। यह घटना ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जानी जाती है। एक्चुअली इतिहास ऐसा विषय है ना, मतलब अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। जो मुझे पता है उसमें 23 लोग बचे थे, जो ये खबर है दैनिक भास्कर की, इसके हिसाब से 43 लोगों की दम घुटने से मृत्यु हुई। लेकिन ये ऐसी घटना है, आप पूरे ब्रिटिश हिस्ट्री के रेफरेंस को पढ़ेंगे, आपको कहीं ये घटना नहीं मिलेगी, क्योंकि उनकी बेइज्जती हो जाती, दुनिया के सामने कमजोर नकारा साबित हो जाते, ठीक है? इसलिए ये दिक्कत है। फोर्ट विलियम की घटना के बाद से प्लासी की लड़ाई की भूमिका तैयार हुई, क्योंकि फोर्ट विलियम में जबरदस्त नवाब की सेना ने, नवाब ने अंग्रेजों को जो पटका, इतनी बुरी हार, मतलब अंग्रेज अधिकारी लिखते हैं, ये इतिहासकार कहते हैं इससे जलालत वाली हार मतलब हमारे पूरे साम्राज्य में नहीं होती। जिस तरीके से नवाब की सेना ने फोर्ट विलियम में हराया अंग्रेजों को, आई एम टेलिंग यू, मतलब बहुत बेइज्जती हुई, और खुद अंग्रेज इस बात को माने। लेकिन धोखा, नवाब चाहता तो बैठा रहता फोर्ट में, कभी कुछ नहीं होता, लेकिन नवाब ने अपने विश्वास पात्र को बिठा दिया, वापस चले गए मुर्शिदाबाद। अगर नवाब सिराजुद्दौला यहीं बैठे रहते तब भी अंग्रेज कभी नहीं जीत पाते, प्लासी होता ही नहीं। लेकिन चलिए आगे पढ़ते हैं। ये देखिए सब अंग्रेज हैं, ये लंबे लंबे बाल वाले अंग्रेज, और ये सिराजुद्दौला के सैनिक। चल चल आगे चल, बताई तो क्या। अच्छा देखिए, ये सब जूते वगैरह पहने हैं, कितने बढ़िया, और ये सब नंगे पैर हैं बेचारे। तस्वीर है, काल्पनिक है, बढ़िया तस्वीर है। तख्ता पलट का षड्यंत्र और प्लासी की लड़ाई। चलिए, मीर जाफर मंत्री थे, पदाधिकारी थे सिराजुद्दौला के। मीर जाफर समेत कुछ मंत्रियों ने नवाब, आए कहां गए बाबू, नवाब के शासन से नाराज होकर बंगाल में तख्ता पलट का फैसला लिया। सिराजुद्दौला को तख्त से उकाड़ फेंकने की इस साजिश की जानकारी बंगाल में कंपनी के अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव को भी मिली। रॉबर्ट ये सब खोजते रहते थे ना, कौन डिससेटिस्फाइड है, कौन धोखा कर सकता है, व्हाट सो एवर, है ना, ये सारे जो कारण हैं। रॉबर्ट क्लाइव को पता चला, अरे यार मीर जाफर, इसके कुछ साथी तो मतलब मौके की तलाश में है तख्ता पलट के। रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, और वही वाली कहानी, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ले क्या मीर जाफर को आज सम्मान की नजरों से देखा जाता है? कभी नहीं। क्या मीर जाफर बहुत बड़े एम्पायर का नायक बना? कभी नहीं, कुछ नहीं मिला मीर जाफर। नहीं, मौके का फायदा उठाते हुए क्लाइव ने मीर जाफर का साथ देने का फैसला किया। दोनों के बीच सौदा हुआ कि मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा, एक बार बस सिराजुद्दौला मार दिया जाए, गद्दी से हटा दिया जाए। अपनी कार्रवाई की शुरुआत करते हुए रॉबर्ट क्लाइव ने चंद्रनगर पर हमले का आदेश दिया। इससे गुस्साए नवाब सिराजुद्दौला ने
ईस्ट इंडिया कंपनी से युद्ध करने का फैसला लिया। यदि चंद्रनगर की घटना नहीं होती तो प्लासी का युद्ध नहीं होता। भारत में कदम जमाने की कोशिश कर रहे फ्रांसिसियों ने इस मौके को देखते हुए नवाब की सेना का साथ देने के ठाने। अंग्रेजों से अच्छे तो बेचारे फ्रेंच वाले, एटलीस्ट उन्होंने नवाब का साथ तो दिया नहीं। तो अब कहानी कैसे बन रही है, नवाब सिराजुद्दौला प्लस फ्रेंच ताकत वर्सेस ब्रिटिश एम्पायर। ये जो नया समीकरण बना, और ब्रिटिशर्स के साथ बेटा कौन है, मीर जाफर, मीर चंद, अभी बताएंगे इनके बारे में भी। उनके समर्थन से सिराजुद्दौला ने बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म करने का फैसला लिया। दोनों सेनाओं का सामना बेटा प्लासी के मैदान में होता है, वो युद्ध से कहा जाता है कि बैटल ऑफ प्लासी नहीं होती, मतलब पूछा भी जाता है कभी कभार प्रीलिम्स में, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में, किस युद्ध से अंग्रेजों ने अपने पैरों को फाइनली देश में जमा लिया, मतलब द वॉर विच लेड द ब्रिटिशर्स, ठीक है ना, टू बी एस्टैब्लिश इन इंडिया, इट वॉज द बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी, ये जो ट्रीटी ऑफ अलीनगर वगैरह है, इसका इतना इंपॉर्टेंस है इतिहास में। यदि आप इसे नहीं पढ़ रहे हैं तो माना जाएगा आपने मॉडर्न इंडिया नहीं पढ़ा, क्योंकि भैया आना इज इंपॉर्टेंट ना। ब्रिटिशर्स आए कैसे, बिकॉज ऑफ दिस ट्रीटी, बिकॉज ऑफ अलीनगर, ठीक है। राजा मानिकचंद, अच्छा राजा मानिकचंद जो गद्दार थे, इनकी कहानी भी आपको पता होनी चाहिए। जब फोर्ट विलियम्स पर कब्जा हो गया, सिराजुद्दौला बहुत पीटा सबको, बंद कर दिया, बहुत लोग मारे गए, बेइज्जती हो गई, सब भाग गए अपने बीवी बच्चों को छोड़कर, तो सिराजुद्दौला ने अपने एक मंत्री राजा मानिकचंद को फोर्ट विलियम की कमान दी। कहा देखो अब तुम यहां रहो, तुम मेरे विश्वास पात्र हो, हम वापस जाते हैं मुर्शिदाबाद। अरे हुजूर आप जाइए, कोई दिक्कत ही नहीं है, हम हैं मतलब आप हैं, और अंग्रेजों आ रहे मार के सब भगा, दांत खट्टे कर देंगे। ये मानिकचंद ने विश्वास दिलाया सिराजुद्दौला को, इनके विश्वास पात्र थे। इतिहासकार कहते हैं बाय द टाइम भी मानिकचंद बिक गए, अंग्रेज सब पैसा रुपया सप्लाई किए, औरतों का लालच दिए, ये दे देंगे वो दे देंगे, इधर मतलब आज क्या कहते हैं, इधर प्लॉट दे देंगे, गाड़ी दे देंगे, नौकरी दिलवा देंगे। मानिकचंद बिक गए, मानिकचंद इस एक्सटेंट पर बिक गए कि मानिकचंद एक नकली युद्ध लड़ते हैं अंग्रेजों से, ऐसा इतिहासकार कहते हैं। नकली युद्ध में हारते हैं, सिराजुद्दौला को कहते हैं कि मालिक हम हार गए, आपके जाते ये सब अटैक किए, हम बहुत बहादुरी से लड़े लेकिन मालिक हम सामना नहीं कर पाए, आप आ जाइए, आप आ जाइए, मतलब आप आ जाइए और हम आपको खत्म कर दें। ये अंग्रेजों की चाल थी कि बुलाना धोखे से और उन्हें मार देना। सोचो जो सिराजुद्दौला राजा मानिकचंद पर विश्वास करके इन्हें सौंप कर जाता है गद्दी, फोर्ट विलियम की जिम्मेदारी दे के जाता है, वही बिक गया, वही गद्दार हो गया। ये पर्दे के पीछे की कहानी है, बैटल ऑफ प्लासी के पीछे की कहानी है। और इसी दौर में सिराजुद्दौला कमजोर थोड़ा बताए जाते हैं, और वो चिट्ठी लिखते हैं जिस चिट्ठी का मैं आपसे रेफरेंस दे रहा था कि तुम लोग व्यापारी हो क्या, लूट खसोट करते रहते हो, चलो बैठ कर बात करते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है ना। चलो बैटल ऑफ प्लासी में चलते हैं, ये है बैटल ऑफ प्लासी के कुछ आंकड़े, आपको जरूर देखना चाहिए। प्लासी की लड़ाई बेटा आपको तारीख याद होनी चाहिए, प्लासी की लड़ाई कब हुई, प्लासी की लड़ाई हुई 23 जून 1757, ठीक है। एक तरफ सिराजुद्दौला की सेना, एक तरफ रॉबर्ट क्लाइव की सेना। अब आप समझिए सिराजुद्दौला का प्रधान सेनापति कौन, मीर जाफर, प्रधान सेनापति वही बिक गया, अभय कुमार निधि, आर्य, सौम्या तिवारी। जब प्रधान सेनापति बिक गया तब कौन सा युद्ध लड़ता बेचारा सिराजुद्दौला, और दूसरे सेनापति कौन थे, यार लुत्फ खान। ये नाम अच्छा है, ये नाम किसी का रखा जा सकता है, यार लुत्फ खान, ठीक है ना। राजा दुर्लभ राम, मीर मदान, ये कहां से हो गए, सिराजुद्दौला की तरफ से हो गए। दूसरी तरफ थे बेटा रॉबर्ट क्लाइव, सेना 50,000, तोपें 12। इनके प्रधान सेनापति मेजर किलपैट्रिक, जो बिके नहीं। दूसरे सेनापति मेजर ग्रांट आयरकुट, जो बिके नहीं। सैनिक 3,000, तोपे 12, ऊपर लिखा है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
जंग में मीर जाफर ने धोखा दिया। 23 जून 1757 गुरुवार का दिन बतलाया जाता है, ठीक है। 23 जून 1757 गुरुवार का दिन प्लासी के मैदान पर गंगा नदी के किनारे नवाब की फौज और ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना आमने सामने थी। करीब 50,000 सैनिक, 500 हाथी और 50 तोपों से लैस सिराजुद्दौला की सेना ईस्ट इंडिया के कंपनी के करीब 30,000 सैनिक और कुछ 12 तोपों के मुकाबले कई गुना बड़ी थी। मैंने हमेशा कहा है संख्या बल बड़ा नहीं, संख्या बल बड़ा होता तो जीता पृथ्वीराज के खिलाफ कोरिया, संख्या बल बड़ा होता तो क्या कभी बाबर जीतता? नहीं, संख्या बल जरूरी नहीं, स्ट्रेटजी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। कितने घंटे पढ़ते हो, दैट इज नॉट मटेरियल, ना बढ़िया पढ़ते हो किस रणनीति के साथ, दैट इज हैविंग वाइटल इंपॉर्टेंस, ठीक है। कंपनी की सेना के सौदे के तहत मीर जाफर ने साजिश को अंजाम दिया। अफगान और मराठाओं के हमले से के खतरे का हवाला देते हुए जाफर ने नवाब को एक पूरी सेना नहीं उतारने की सलाह दी। जाफर ने कहा कि साहब यदि आप पूरी सेना उतार देंगे क्या भरोसा मराठा कूद पड़े, आप समझिए उन्हें तो पता है ये युद्ध चल रहा है, एक तरफ से वो हमला कर दे, क्या पता अफगानी, ये तो शुरू से 1000 सालों से हमारे लिए चिंता का विषय है, अफगानी कूद पड़े। जब सलाह दे रहे हो बात तो सही है। इस सलाह को मानते हुए इतिहासकार कहते हैं सिराजुद्दौला ने मीर मदान की अगुवाई में 8,000 से 10,000 सैनिकों को लड़ने का हुक्म दिया। मतलब उसको लगा 3,000 है, हम 10,000 दे दे रहे हैं, ठीक है एक आदमी पर 3 आदमी। इस टुकड़ी के अटैक और फ्रेंच तोपों के हमलों से कंपनी के 27 जवान बेटा कहा जाता है पहले राउंड में ही मारे गए। इस बीच रॉबर्ट क्लाइव ने तय किया कि जैसे तैसे दिन निकल जाने के बाद रात के समय नवाब पर हमले की योजना बनाई जाएगी और नवाब का एग्जीक्यूशन किया जाएगा। इसी दौरान बारिश बहुत तेज होने लगी। मानसूनी इलाकों में युद्ध का अनुभव रखने वाले क्लाइव ने तुरंत गोला बारूद को भीगने से बचा लिया। स्ट्रेटजी है, रणनीति है, यही वॉरफेयर स्किल है, ठीक है। इस बीच मीर जाफर को सिराजुद्दौला की फौज के गोले बारूद को बर्बाद करने का मौका मिल गया। ज्यादा तोपे होने के बाद नवाब कुछ ना कर पाने की स्थिति में पड़ गए क्योंकि बारिश की वजह से सब बेकार हो गया। बारिश की वजह से नवाब के पास तोपे बहुत ज्यादा थी, अब ये इतनी ज्यादा तोपे लेके आए थे कि उसे रेस्क्यू भी नहीं कर सकते थे, बचा भी नहीं सकते थे। जहां तोपे थी वहीं पर पड़ी रह गई, धंसने लगी क्योंकि मिट्टी कमजोर हो गई। और जो गोला बारूद बड़ी संख्या में ये लाए थे अंग्रेजों के खिलाफ, क्योंकि इनका प्रधान सेनापति, मतलब आप समझिए धोखेबाज है, प्रधान सेनापति धोखेबाज है, तो इसने गोला बारूद को बचाया, भीगने दिया, भीगे हुए गोला बारूद क्या करेंगे। बारिश रुकते ही मीर मदान ने स्थिति समझे बिना हमला बोल दिया। क्लाइव के आदेश पर अंग्रेजी सेनाओं ने अपनी सारी तोपे उसकी टुकड़ी के सामने मोड़ दी और ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना नवाब की फौज पर कहर बनकर गिरती है। इस लड़ाई में मीर मदान की मौत हो जाती है। इसके बाद नवाब ने मीर जाफर से सलाह मांगते हुए आगे की योजना पूछी। मीर जाफर ने नवाब को पीछे हट जाने की सलाह दी। पचास हजार सैनिक में हम कहते हैं 10,000 पूरे के पूरे मारे गए, कभी भी बेटा 40,000 बचे, लेकिन 40,000 सैनिकों का करोगे क्या जब हौसला ही नहीं है। मीर जाफर ने कहा भाई पीछे भागो, गजब कहर ढा रही है इनकी तोपें, हम लोग हार जाएंगे, मारे जाएंगे। सिराजुद्दौला क्या करते हैं? सिराजुद्दौला ने मीर जाफर की बात मानते हुए बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया। लड़ाई के रोके जाने के बाद जब नवाब की फौज वापस लौटने लगी तब क्लाइव की सेना ने फिर अचानक हमला बोल दिया। अब इससे नवाब और उसकी सेना तितर बितर हो गई। क्लाइव ने लड़ाई जीत ली और नवाब सिराजुद्दौला को युद्ध मैदान छोड़कर भागना पड़ा। अब आप समझिएगा, जो सिराजुद्दौला 50,000 सैनिकों के साथ उतरा था, सौम्या तिवारी, नेहा सोनकर, प्रिया प्रजापति, केवल हौसले की कमी से, गद्दारी से, एक बेहतर स्ट्रेटजी ना होने के कारण वापस भागता है रणभूमि से। भागने के बाद भी बेटा उसके ऊपर अटैक होता है, पूरी सेना तितर बितर हो जाती है और अंतोगत्वा उसे सब कुछ छोड़ के भागना पड़ता है। वो सिराजुद्दौला जो फोर्ट विलियम में घुस के अंग्रेजों को मारता है, आज इतना कमजोर हो गया केवल एक धोखे की वजह से।
प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला की हार के बाद मीर जाफर को बेटा बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। लड़ाई हारने के बाद मैदान छोड़ भाग गए सिराजुद्दौला। एक ऊंट पर बैठकर कहा जाता है सिराजुद्दौला जैसे तैसे मुर्शिदाबाद पहुंचे। मशहूर इतिहासकार सैयद गुलाम हुसैन खान इस किस्से को बताते हुए अपनी किताब में लिखते हैं कि सिराजुद्दौला आम आदमियों के कपड़े पहनकर भागे थे। उनके साथ नजदीकी कुछ उनके केवल रिश्तेदार थे। करीब सुबह 3 बजे उन्होंने अपनी पत्नी लुफ्त उल निसा और कुछ करीबी लोगों को ढकी हुई गाड़ियों में बिठाया। जितना सोना चांदी वो अपने साथ ले जा सकते थे अपने साथ लिया और राजमहल छोड़कर सिराजुद्दौला भाग गया। छिपते छिपाते 2 दिन के बाद सबको साथ लेकर जैसे तैसे वो पटना पहुंचे। मीर जाफर के बेटे मीरान ने सिराजुद्दौला को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कहा जाता है मीर जाफर के लड़के की उम्र थी 17 साल। 17 साल की उम्र में मीर जाफर के लड़के ने सिराजुद्दौला की गर्दन को उड़ा दिया। सोचो, मुर्शिदाबाद से पटना भागे, दूर है, अभी भी तुम डिस्टेंस देखोगे गूगल पे तो पता चल जाएगा। पटना के फकीर शाह दाना के मुखबिरी की वजह से सिराजुद्दौला के ठिकाने का पता मीर जाफर के सिपाहियों को लग गया। इसके बाद सिराजुद्दौला को हथियारबंद लोगों ने घेर लिया और उसे पकड़ लिया जाता है। 2 जुलाई 1757 को उन्हें वापस मुर्शिदाबाद लाया जाता है जहां मीर जाफर के बेटे ने उन्हें जान से मारने का हुक्म दिया। इसके बाद बेटा उनकी हत्या कर दी गई। हत्या के बाद उनके शव को लटका कर जानवरों पर पूरे मुर्शिदाबाद में घुमाया गया। वो सिराजुद्दौला जिसकी तूती बोलती थी उसी के छत बिछत शव को बेटा पूरे फांसी पर लटका कर आदमी, अच्छा ये नहीं बताया गया है, ये मैं बता रहा हूं केवल इसलिए कि जो सिराजुद्दौला के साथ हुआ वो किसी के साथ होगा जो अंग्रेजों के खिलाफ विरोध करेगा। उनके मतलब काटा गया और उसी शव को घोड़े या हाथी पर, मुझे ये एग्जैक्टली याद नहीं है, पूरी मुर्शिदाबाद में घुमाया गया। इतिहासकार कहते हैं जिस जगह सिराजुद्दौला की हत्या की गई उसे आज भी नमक हराम ड्योढ़ी के नाम से जाना जाता है। तो आप सोच लीजिए इतिहास कभी क्षमा नहीं करता है। इसके बाद उनके मृत शरीर को हाथी पर चढ़ाकर मुर्शिदाबाद शहर में परेड कराई गई। ठीक है, नमक हराम ड्योढ़ी में सिराजुद्दौला की हत्या की गई थी, ये वही ड्योढ़ी। तो अब आप समझिए सिराजुद्दौला की कहानी, बैटल ऑफ प्लासी की कहानी, राजा मानिकचंद की कहानी और गद्दार मीर जाफर। आपको पता है सिराजुद्दौला के पास ये एप्रिहेंशन था। जब 4 फरवरी 1757 को वो आते हैं उनको ये एप्रिहेंशन था कि मेरे ऊपर अटैक होगा और 5 फरवरी को उनके ऊपर अटैक होता भी है, बच जाते। लेकिन अब इतिहास को कुछ और मंजूर था, उन्होंने अपनी रणनीति नहीं बदली, वो टिके रहे, युद्ध भी किए। तो ये कहानी है बैटल ऑफ प्लासी की, ये कहानी है सिराजुद्दौला की। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए आप सभी को समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, मीर जाफर और मानिक चंद को कभी क्षमा मत करना, नहीं कभी मत करना। जैसे जयचंद को, गढ़वाल के राजा जयचंद को हम क्षमा नहीं कर सकते हैं, वैसे ही इन गद्दारों के बारे में पता रहना चाहिए ना। तो चलिए, अच्छा मेरा एक बढ़िया प्लान आप लोगों के लिए है कि उसे बहुत सारे बच्चे बहुत दिन से कह रहे हैं कि 2024 के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एम लक्ष्मीकांत को शुरू किया जाए और बाय द टाइम बीइंग 2-3 महीने में पूरी एम लक्ष्मीकांत को सब्जेक्टिवली खत्म कर लिया जाए, नॉट ऑब्जेक्टिवली। ठीक है, तो मुझे ठीक है, अच्छा लगा आइडिया। वैसे तो कई बार अपन पढ़ चुके हैं इन सारे विषयों को, लेकिन चूंकि 2024 के प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए, मेंस को ध्यान में रखते हुए हमारे पास पर्याप्त समय है, तो ये एक्सरसाइज की जा सकती है इसी समय पर 11 बजे। आप लोग क्या सोचते हैं आप मुझे यहां भी बताइएगा, टेलीग्राम पर भी बताइएगा, आप लोगों से बात करके ही शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो भाई बताओ सारे बच्चे करा दीजिए, रिवीजन हो जाएगा। हाँ सर, बड़ी कृपा होगी। नहीं प्रतिभा, करेंगे बेटा, 2-3 दिन के अंदर करेंगे, लेकिन ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी है। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं लेकर आओ क्लास, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, वो हम ही से पढ़ें।
वो कहीं और एम लक्ष्मीकांत चल रहा है अकेडमी पर, वहां से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं क्लास में अच्छे बच्चों के रहने का मतलब है एक हेल्दी कॉम्पिटिशन का होना। अच्छा, मेरी रात वाली क्लास क्यों सक्सेसफुल है 3 साल से, मुझे बताओ। इसलिए सक्सेसफुल है क्योंकि मेरे पास कुछ अच्छे बच्चों की टीम है 40-50 जो एक हेल्दी एटमॉस्फेयर को बना के रखते हैं अपनी परफॉर्मेंस से। इसी तरीके से अगर यूट्यूब में भी अच्छे बच्चे होंगे तो निश्चित तौर पर हमारी एग्जामिनेशन के लिए हमारे लिए बेनिफिशियल, ठीक है। करेंगे इसको प्लान, एम लक्ष्मीकांत को प्लान करेंगे और पूरी एम लक्ष्मीकांत बेटा अपन पढ़ लेंगे, ठीक है। अच्छा, इस समय बड़ा अच्छा एक्सटेंशन ऑफर चल रहा है, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो भी बच्चा एडमिशन लेना चाहता है यदि वो 12 महीने का कोर्स लेता है 12 मंथ्स का, तो उसे बेटा 2 महीने फ्री मिल जाएंगे। यदि वो 18 महीने का कोर्स लेता है तो उसे 4 महीने फ्री मिल जाएंगे। यदि वो 2 साल का कोर्स लेता है तो उसे 6 महीने फ्री मिल जाएंगे। आप समझिए, इसे अनअकैडमी का एक्सटेंशन ऑफर कहते हैं। आपको ये इसका पैसा नहीं देना है 2-4-6 का, पैसा आपको केवल इसका देना है। और ये पैसा भी जो है भारत में सबसे कम है और इसके लिए अनअकैडमी की बहुत अच्छी ड्राइव है। अनअकैडमी इस देश के हर नागरिक को, हर बच्चे को लोन देने को तैयार है, बशर्ते उसके या उसके परिवार के पास एक आधार और पैन कार्ड हो। यदि है आपके पास तो आप उससे बात कर लो। इस नंबर में मत करना, ये मेरा नंबर नहीं है, ठीक है। मेरा टेलीग्राम ओपन है, मैं टेलीग्राम चैनल भी दे दूंगा आपको, तो आप लोन ले लो, सबसे बढ़िया है। 1 रुपया कोई चार्ज नहीं, कोई ब्याज नहीं। मेरे सैकड़ों बच्चों ने लोन लिया, लोन रीपे कर दिया। 12 महीने का दिलवा देंगे, 18 महीने का दिलवा देंगे, 24 महीने का दिलवा देंगे, ठीक है। पैन आधार लेके आओ, लेके बस। मैं हमेशा कहता हूं अपने बच्चों से कि आपके पास एक उचित मार्गदर्शन होना चाहिए, गाइडेंस बेटा। अगर गाइडेंस नहीं है आपके पास तो फिर आप टहलते रह जाओ सारे चैनल्स पर, आपकी तैयारी नहीं हो सकती, आप पहुंच ही नहीं पाओगे कहीं। पहुंचना जरूरी है ना, अपने पाठ्यक्रम को, सिलेबस को खत्म करना जरूरी है ना, ठीक है। तो चलिए, अनअकैडमी के साथ आपको इस तरह की तमाम सुविधाएं मिलेंगी। एक और बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है, उस कार्यक्रम का बेटा नाम है, मैंने आपको पहले भी कई अवसरों पर बताया है, इसमें अनअकैडमी आपसे कहती है अभ्यर्थी से अधिकारी तक, यदि आप बन गए, यूपीएससी आपने निकाल लिया, अनअकैडमी ने जो भी आपकी फीस वगैरह ली है दैट विल बी रिफंडेड। अनअकैडमी 1 रुपया भी नहीं रखेगी, द होल सम विल बी रिफंडेड टू यू, है ना, विदाउट रिटेनिंग अ सिंगल पेंस ऑफ रुपी। तो ये कार्यक्रम है 100% फी रिफंड का। है जज्बा, है हौसला, तो बनो बेटा आगे अधिकारी, अनअकैडमी तुम्हारे साथ है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, बाकी मैं कमेंट सेक्शन में भी अपनी टीम को कहूंगा, वो पेस्ट कर देगी, ठीक है। तो चलिए फिर चलते हैं, वापस मिलेंगे कल 11 बजे, आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, कोई सवाल होगा तो मुझसे टेलीग्राम पे पूछ लेना। चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन।